हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है विजय कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार लगातार देश में रेलवे को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की कोशिश कर रही है। ऐसे में दोस्तों, देश भर में ट्रेनों की संख्या और समय की बचत पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। दोस्तों, इन सबसे हटकर भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वो है देश की ट्रेनों पर सुरक्षा की जिम्मेवारी। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रेलवे अब देश में हाइड्रोजन गैस की ट्रेनों की संचालन की तैयारी कर रही है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में इस साल यानी कि साल 2024 के अंत तक पहली हाइड्रोजन गैस वाली ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। और दोस्तों, इसी कड़ी में कई हाइड्रोजन ट्रेनों की हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक साल 2047 तक भारतीय रेलवे ऐसी ट्रेनों की संख्या को बढ़ाकर 50 तक पहुंचा देगा। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन ट्रेन भारत में सबसे पहले कौन से रूट पर और कहाँ चलेगी। दोस्तों, भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले किस रूट पर चलाएगी, इसके लिए जगह और रूट को भी चुन लिया गया है। दोस्तों, ये रूट हरियाणा के जींद से लेकर सोनीपत तक होगा। यानी कि दोस्तों, पहली हाइड्रोजन गैस वाली ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। दोस्तों, इसके काम भी लगभग लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन का मजा यात्री इंडिया में दार्जिलिंग, कालका शिमला, नीलगिरी माउंटेन में भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये हाइड्रोजन ट्रेन इतना खास इसलिए भी है क्योंकि जितने भी ट्रेन भारत के ट्रैक पर दौड़ेगी, ये सभी ट्रेन मेड इन इंडिया की बनी होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा हाइड्रोजन ट्रेन किस ईंधन से चलती है। दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन ईंधन सेल से चलती है, इसलिए दोस्तों इससे प्रदूषण भी कम होता है। माना जा रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन ग्रीन इंडिया का एक सिंबल बनेगा, जो कि दोस्तों आने वाले कई सालों में काफी बड़ा बदलाव कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन ट्रेन की कोचेज इंडिया में कहाँ बन रही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन ट्रेन की कोचेज को पंजाब की कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली एक ट्रेन है। दोस्तों, इन ट्रेनों में डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाए जाते हैं, जिससे कि इन ट्रेनों से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे हानिकारक प्रदूषण नहीं होता। दोस्तों, इन ट्रेनों के चलने से प्रदूषण को नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होती है। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाती है और इसी बिजली का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने में किया जाता है। सो दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाती है और इसी बिजली का इस्तेमाल हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने में किया जाता है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रोजन ट्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेनें बिना धुआं छोड़े दौड़ती है। दोस्तों, हाइड्रोजन गैस वाली ट्रेन की कमाल की बात यह है कि इन हाइड्रोजन गैस वाली ट्रेन में भी मेट्रो की तरह बहुत कम कोच लगे होते हैं। हाइड्रोजन गैस वाली ट्रेन में सिर्फ 4 कोच होंगे। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि दोस्तों, भारत में चलने वाली ये ट्रेन फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी ही तय करेगी। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको तक पहुंचाया भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन की प्लानिंग क्या है, भारत में चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की रूट कौन सी होगी, इस ट्रेन की कोचेज कहाँ बन रही है और कब तक चलने की प्लान है। सो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।